नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोराइड्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नई RC 390 2022 वर्जन। और यहाँ पर आपके पास हैं ढेर सारे बदलाव। अब यहाँ पर मैं आपको जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और अपना ओपिनियन जो है वो नहीं बता सकता, लेकिन क्या क्या चेंजेस हैं वो सब डेफिनेटली बता सकता हूँ। और पहली नज़र में शायद आपको RC 200 याद आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप इसका ओवरऑल स्टाइलिंग देखेंगे तो बिल्कुल RC 200 जैसा है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल याद थी, तो मुझे कुछ नया समझना भी नहीं पड़ा। और उनमें सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो नया काउल है ये पूरी तरह से नया है। RC 16 जो MotoGP मोटरसाइकिल है KTM की, उससे प्रेरणा लिए हुए है। यहाँ पर आपको ये हेक्सागनल स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ब्लिंकर्स यहाँ पर इंटीग्रेटेड हैं, LED लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और ये DRL भी आपको यहाँ पर मिलता है। मिरर्स बिल्कुल नए और फोल्डिंग भी हैं। तो ये न सिर्फ नए हैं, ज़्यादा एरोडायनामिक भी हैं, और उसके साथ ही साथ ये ज़्यादा वाइड भी हैं, ताकि आपको पीछे का दृश्य ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ गया है, ताकि आपके कंफर्ट में इजाफा हो, इसके लिए ट्रैवल बढ़ाया गया है आगे 10mm से और पीछे 17mm से। इसके साथ ही ये जो व्हील्स आप देख रहे हैं, ये व्हील्स भी आपको काफ़ी नए लग रहे होंगे, लेकिन सिर्फ दिखने में नए नहीं हैं, यहाँ पर वेट भी बहुत सारा बचाया गया है। और ये देखिए, ये हब जहाँ पर होती है वो पूरी तरह से खोखला है, यानी कि ये जो व्हील है ये लाइटर है बाय 1.1 kgs। वेट सेविंग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा थीम है। और वेट सेविंग के बारे में बात करें तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्क है ये डायरेक्टली व्हील पे माउंटेड है, और बीच में जो स्पेसर्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। तो ये डिस्क्स भी अगर आप देखेंगे तो ये भी लाइटर हैं। और कुल मिला करके ड्राई वेट, यानी कि जब गाड़ी में किसी तरह का कोई फ्लूइड नहीं होता ना, तब गाड़ी का जो वेट होता है वो अब यहाँ पर 3.7 kgs लाइटर है। हालांकि ये टैंक अब पूरा मेटल का है, और इसमें अब जो कैपेसिटी है वो बढ़ के हो गई 13.7 liters। यानी कि अगर आप इसे कर्ब वेट में देखेंगे या वेट वेट में देखेंगे तो आपको वेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको 4.2 liters का फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा मिलता है, तो ओवरऑल वेट भी ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। स्टाइलिंग साइड से आप देख ही रहे होंगे, ये जो कलर है ये एक नया कलर है, और ये एक नेवी ब्लू मैट फिनिश्ड कलर है। देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, आपको कैसा लगता है मुझे बताइए। इसके अलावा एक ब्लैक कलर भी है, और वहाँ पर आपको ये यहाँ पर ब्लैक पैनल मिलेगा और ऑरेंज लाइनिंग मिलेगी साइड्स में। तो एक और जो बदलाव आपको यहाँ पर देखने मिलेगा वो ये है कि इस कलर में आपको सब फ्रेम ऑरेंज नज़र आएगा, लेकिन ब्लैक कलर में आपको ये सब फ्रेम भी जो है ये ब्लैक ही नज़र आएगा। ये सब फ्रेम ख़ास तौर पर इस ऑरेंज कलर में, जिस तरह से ये सीट के बाजू से झांक रहा है बाहर, ये आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर वेट की जो मैं बात कर रहा था, तो वेट आगे की तरह पीछे भी जो हब है ये आपको गायब नज़र आएगा, ताकि वेट में और भी कुछ सेविंग्स की जा सकें। तो वेट यहाँ पर कई तरह से बचाया गया है, एक्सल भी नए हैं ताकि वेट थोड़ा और कम हो सके, और इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है। सीट्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई है, यहाँ पर 50% ज़्यादा फोम का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा वाइड है, और यहाँ पर 100 ग्राम हवा को ज़रा जाने देता हूँ, अगर ऑडियो में कुछ दिक्कत हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हवा ज़रा तेज़ है और ये वीडियो में डायरेक्टली फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ अगर ऑडियो में दिक्कत हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये जो सीट्स हैं ये ज़्यादा वाइड हैं, और अब पहले से ज़्यादा इसे कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करी है KTM ने। पीछे वाली सीट पहले की तरह ही ऊंची है, और पिलियन राइडर के लिए जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि KTM RC 390 की सीट हमेशा से ऊंची रही है, तो यहाँ पर ये कितनी ऊंची है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट के पीछे आपको एक नया मैश मिलेगा, ये हीट प्रोटेक्शन के लिए प्लेट मिलेगी, ये 2-tone जो टैंक है, बैटरी अब यहाँ पर आ गई है ताकि आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें। यहाँ पर ये की होल से आप सीट को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन बेसिकली सेम है, लेकिन यहाँ पर रेडिएटर जो है उस पर 10% ज़्यादा एयर फ्लो है, एरिया जो है ज़्यादा है, तो 10% बेटर कूलिंग करता है, और यहाँ से एयर फ्लो भी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चैनल होता है, ज़्यादा बेहतर एयर फ्लो मैनेजमेंट है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको
RC 200 के बजाय यहाँ पर आपको दो फैन मिलते हैं, तो कूलिंग जो है उस पर बहुत काम किया गया है। साथ ही एयर बॉक्स जो है यहाँ पर वो 40% ज़्यादा बड़ा है, ताकि जो ब्रीदिंग है इंजन की वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किए गए हैं ताकि आपको एक ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल मिल सके। आगे आपको LED लाइट्स मैंने दिखाई थी, ब्लिंकर्स भी LED हैं, और ये रही टेल लाइट। ग्रैब रिल का स्टाइलिंग भी RC 200 जैसा ही है और ज़्यादा स्टाइलिश पहले से, और मेरे ख्याल से अभी आप अगर इसे देखेंगे तो इसके अंदर आप फिंगर्स इस तरह से अपनी स्लाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक बड़ा जो फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है वो है, अब यहाँ पर एक इनर्शियल मोमेंट यूनिट है, तो आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है, साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। कॉर्नरिंग ABS के साथ साथ ये जो टू जोन जो डुअल चैनल ABS है, इसको आप सुपर मोटो मोड में पीछे वाला ABS बंद भी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर क्विक शिफ्टर मिलता है, यानी कि बिना क्लच यूज़ किए गियर शिफ्ट्स आप कर सकते हैं, और ये गियर शिफ्ट जो हैं इसके लिए आपको क्लच यूज़ करना नहीं पड़ेगा। साथ ही ये देखिए, ये बहुत ही नया कलर TFT डिस्प्ले, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टैको है, स्पीडो है, फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर गेज है। इंजन टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा ऊपर जाता है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ कल जब रिव्यू आएगा तब। अब यहाँ पर देखिए, मैं मोटरसाइकिल में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। देखिए, तो ये फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और साथ ही आपकी रेंज वगैरह सब दिख जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है, और KTM माई राइड ऐप यूज़ करके आप यहाँ पर म्यूज़िक और कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा। ये जो ट्रिपल क्लैंप यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से नया है, बट इंटरनेशनल जो बाइक आती है वहाँ पर ये और भी नीचा है, 14.5 mm और नीचा है, लेकिन इसे यहाँ के लिए ज़रा ऊपर कर दिया ताकि आप जब इस पर बैठें तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अब मैं आपको दो चीज़ें अभी दिखाऊंगा, एक तो ये इसका राइडर ट्रायंगल कैसा है, और दूसरा ये एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है। आप राइडर ट्रायंगल देख लीजिए, इस पर मेरा ओपिनियन मैं आपको बाद में बताऊंगा, और इंजन भी फायर करके आपको सुनाता हूँ। इंजन में इनहिबिटर लगा है, साइड स्टैंड अगर ऑन है तो इंजन चालू नहीं होगा। राइडर ट्रायंगल भी आप देख लीजिए कि आपको कितना कमिटेड लग रहा है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे 14.5 mm वापस नीचे कर सकते हैं। ब्रेक और क्लच दोनों एडजस्टेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है, पीछे वाला जो सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल है। ये स्विच गियर, इंजन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, टर्न इंडिकेटर्स, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए कंट्रोल्स, 3 स्टेप, आपको हाई बीम, लो बीम और डे फ्लैशर, और ये हॉर्न। तो ये है आपका स्विच गियर। इसके साथ ही अब अगर मैं आपको बताऊं इंजन के बारे में, तो इंजन जो है वहां पर पावर तो सेम है, लेकिन टॉर्क 1 Nm बढ़ गया है। तो मतलब आपको पहले जो 43.5 PS का पीक पावर मिलता था उतना ही मिलेगा, लेकिन टॉर्क अब 1 Nm ज़्यादा मिलेगा। साथ ही वेट यहाँ पे कम हो गया है, और परफॉर्मेंस कैसा है इसके लिए तो आपको कल मेरा वीडियो ही देखना पड़ेगा, वहाँ पे तो मैंने इस गाड़ी की पूरी सर्जरी कर दी है, पूरा पोस्टमार्टम हो गया है, सब कुछ आपको जो भी चाहिए एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, गियर स्पीड क्या है पहले वाली मोटरसाइकिल से, परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है, माइलेज क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, और ये मोटरसाइकिल आपको देखने में कैसी लगती है ये मुझे बताइए। 36,000 rupees ज़्यादा आपको देने होंगे पुराने वाले मॉडल से, लेकिन तो भी मेरे ख्याल से अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर और प्राइस के लिहाज से, मैं ज़रा प्राइस का जो मेरा जो चार्ट है वो ज़रा देखता हूँ। हाँ, 3.14 lakh rupees इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और अगर आप इसे निंजा से कंपेयर करें जिसकी पावर और टॉर्क इससे काफ़ी कम है, वहाँ पर आपको लगभग 4.5 PS कम पावर और लगभग 10 Nm कम टॉर्क मिलती है, वहाँ पर आपको देने होते हैं 3.37 lakh rupees, जो कि यहाँ से
23,000 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर वैल्यू के हिसाब से बात की जाए, परफॉर्मेंस ही नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एवरीडे यूजेबिलिटी चाहिए, अच्छी देखने वाली फुल फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें मोड वोड मिल जाए आपको, कलर डिस्प्ले वगैरह मिल जाए, तो उस हिसाब से RR 310 जो है वो भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। वहाँ पर आपको 50,000 रुपये कम देने होंगे। और फिर अगर आपको थोड़ी सस्ती मोटरसाइकिल विद द सेम परफॉर्मेंस चाहिए तो ऑफकोर्स ड्यूक 390 का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। हम हैं अभी बजाज के चाकन टेस्ट ट्रैक पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट ट्रैक है यहाँ पर। हमेशा मुझे मोटरसाइकिल चला के बहुत मज़ा आता है और आज मैंने दिल भर के इस मोटरसाइकिल को चलाया है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, दो रिव्यूज़ किए मैंने और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुका हूँ कि बस आप पूछे नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से आपको हर तरह से हर इन्फॉर्मेशन दूँ, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, बट ज़रा प्यार हमें दिखाइए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए और जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए उसका कुछ प्रतिसाद हमें दीजिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ़।